सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को दिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक। तो गाइस आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू ऑन ऑटो रोटेट स्क्रीन। आप अपने फ़ोन में जो ऑटो रोटेट स्क्रीन है उसे कैसे ऑन कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको अपने फ़ोन में जो ऑटो रोटेट स्क्रीन है उसे ऑन करना नहीं आता है ऑटो रोटेट स्क्रीन को, तो आप वीडियो देख के आसानी से सीख सकते हो कि जो ऑटो रोटेट स्क्रीन होता है उसे कैसे ऑन करते हैं। तो गाइस ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले जब कि फ़ोन की सेटिंग होती है, फ़ोन की सेटिंग पर सिंपली चले जाना है। फ़ोन की सेटिंग पे आने के बाद तो गाइस अगर आप जब स्क्रीन की सेटिंग फ़ोन की सेटिंग पे आओगे तो गाइस आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा डिस्प्ले का। सिंपली जो डिस्प्ले का ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर आपको सिंपली एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद तो गाइस आपको सिंपली एक बार नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा ऑटो रोटेट स्क्रीन। तो आपको सिंपली क्या करना है, ऑटो रोटेट स्क्रीन जो लिखा हुआ है आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपके फ़ोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑन हो जाएगा। ऐसे आप आसानी से अपने फ़ोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन को ऑन कर सकते हो, जिससे कि आपके फ़ोन में जैसे फ़ोन को रोटेट करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही रोटेट हो जाएगा। आपको गाइस ऐसे रोटेट नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली आसानी से ऑटोमेटिक अपने आप ही रोटेट हो जाएगा। ऐसी आसानी से इसे ऑन कर सकते हो। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, गाइज आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आपको मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।